हेलो एवरी वन अ ग्रेट वेलकम टू माई चैनल आई एम पूनम डुआर विद मी टूडे यू आर गोइंग टू कवर वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिकली वी आर कवरिंग फॉर जे पी एस सी एग्जाम्स बट ऑल दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अदर लिटरेचर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो यूजीसी नेट में भी आपके बहुत काम आएंगे जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी टॉपिक थ्री कवर कर रहे हैं दिस इज ग्रिम्स लॉ हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के हम लोग पांच लेक्चर्स कवर कर चुके हैं दिस विल बी दिक्कत लेक्चर और इन सभी के पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट थ्रू टेलीग्राम जो कुछ भी मैं वीडियो में आपको साथ साथ बताती हूँ वहाँ भी आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना है इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं अपने आंसर का बी इट ग्रिम्स लॉ बीट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बीट ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम और बी इट ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश और इंग्लिश स्टैंडर्डाइजेशन लैंग्वेज के बारे में डिफाइन करिए लैंग्वेज फैमिलीज के बारे में डिफाइन करिए लैंग्वेज फैमिली क्या होती है ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस दैट ऑल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप अमेरिका सदर्न एंड वेस्टर्न एशिया इंडो यूरोपियन की ही फर्दर जेनरेशन को बोला जाता है अब हम फर्दर जनरेशन वर्ड ही क्यों यूज़ करें क्योंकि लैंग्वेज चेंज होती रहती है इट इज नॉट लाइक द लैंग्वेज दैट वॉज स्पोकन डूरिंग नॉट लैंग्वेज विच शेक्सपियर यूज टू राइट आज के टाइम में हम उस तरीके की लैंग्वेज यूज नहीं करते आज के हिसाब से आज की लैंग्वेज क्लोक्यल है सिंपल है तो लैंग्वेज में चेंज आना एक बहुत बहुत बहुत, बहुत नेचुरल प्रोसेस है इस तरीके से आप अपने इस इंट्रोडक्शन को लिंक करेंगे ग्रिम्स लॉ के साथ क्यों क्योंकि ग्रिम्स लॉ इज जस्ट अ चेंज

में कन्वर्ट हो गया स्लोली एंड स्टेडिली तो ये प्रिंसिपल किसने प्रोवाइड किया था जेकअप ग्रिम ने इसीलिए हम इसको ग्रिम्स लॉ कहते हैं और आप कहीं ना कहीं बीच में मेंशन करते रहिए कि लैंग्वेज चेंजेस इन ऑल द एस्पेक्ट्स इन प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम वर्ड टू फॉर्म टू सिंटेक्स टू मीनिंग्स इवन सेमेंटिक चेंज आता है और ये चेंज ऐसा नहीं कि कल कुछ और था और आज कुछ और हो जाएगा राइट दीज चेंजेस आर वेरी ग्रेजुअल वेरी स्लो अच्छा जेकब तो ग्रिम ने अपनी किताब ड्यूश ग्रामेटिक में जिसको हम कहेंगे जर्मानिक ग्रामक और उन्होंने वो आउट किया जो कि जमानिक लैंग्वेजेस में धीरे 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 करके आए थे इसके आप लिखेंगे दो रीजंस जिसकी वजह से साउंड मूव करेंगे यूरोपियन लैंग्वेज ऑफ फ्रॉम दोन प्री हिस्ट्री बट लिविडेंस टूडे धीरे-धीरे धीरे-धीरे जैसे मैं कह रही थी दीरे दीरे ये आए लेकिन अब हग, अगर हम देखें तो properly evident है क्यों change आते पूरा पूरा साउंड ही किसी दूसरे साउंड में चेंज हो जाता है एवरी वर्ड दैट इंक्लूड्स दैट फनीम कम्स टू बी प्रोनाउंस अदर फनीम फिर धीरे धीरे एक या दो अल्फाबेट्स uh, में लेटर्स में वर्ड्स में नहीं जहाँ जहाँ भी वो अल्फ़ाबेट्स वो साउंड यूज होता है धीरे धीरे उन सभी साउंड्स में चेंज आना शुरू हो जाता है तो एक फनीन का चेंज लगभग सभी फ्यूचर चेंजेस को इंस्पायर करता है तीन तरीके की चेंजेस आए प्रोटो इंडो यूरोपियंस के वॉइसलेस प्रोजेक्ट वॉइसलेस और वॉइस के बारे में मैं अभी डिटेल में बात नहीं करूंगी आप यहाँ सिर्फ मैंशन भी करेंगे इट विल डू वॉइसलेस uh, वॉइस अगर समझना चाहते हैं तो ये दो कीवर्ड्स डालिए और मेरा नाम है यू विल गेट द वीडियोज फ्रॉम यूट्यूब प ट क रिस्पेक्टिवली प ट चेंज हो गए फ थ और ह साउंड में वॉइसलेस प्रोजेफ ब ड ये चेंज हो गए प ट और क में इन सबको एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे आप इस तरीके से ही लिखें अपने एग्जाम्स में पहले इन पॉइंट्स को लिखिए फिर इन पॉइंट्स के एक एक करके एग्जाम्पल को भ ध घ जो कि जनरली संस्कृत और हिंदी में यूज किए जाते हैं दे बिकेम ब ड एंड गैसे कि आप, आप यहाँ पर देखें पेटर बिकम्स फादर धीरे 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 जमानिक में शिफ्ट होते होते यानी कि प का साउंड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ट का साउंड देखिए कैसे थ में कन्वर्ट हुआ इट यूज टू बी ट्रे एंड इट बिकेम थ्री इट यूज टू बी कर्ड यानी कि क का साउंड इट कॉट कन्वर्टेड इन टू साउंड हर्ट देखिए ये तीन साउंड्स ड एंड लिप यहां पर जो ब है बेट कॉट कन्वर्टेड इन टू प साउंड में ही था उसके बाद ड का साउंड ट में कन्वर्ट हो गया प्रोटोजेमैनिक में आते आते टेन में गुएना जिसका मतलब क्वीन हुआ, हुआ करता था गायनी गायनी वर्ड भी हम बहुत यूज करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट आज भी ये वर्ड यूज किया जाता है गायनोक्रिटिसिज्म एलेन शोवार्टन ने यूज किया था देखिए जस्ट ग बिकम्स क तो किस तरीके से ग यानी कि ग साउंड क साउंड में कन्वर्ट हो गया धीरे-धीरे करके लेब लिप डेकम टेन ग्वेना क्वी आप देखिए भ्रातृ मैंने आपको बताया था कि संस्कृत वर्ड है धीरे धीरे चेंज होते होते भ का ब कन्वर्जन हो गया नाउ इन इंग्लिश वी से जिसका मतलब डू कुछ करना हुआ करता था दैट दैट कन्वर्टेड इन टू डू तो भ का साउंड भ का साउंड ब में कन्वर्ट हुआ ध का साउंड ड में कन्वर्ट हुआ और घ का साउंड सिर्फ ग में कन्वर्ट हो गया गोस्ट गोस्ट नाउ इट गॉट कन्वर्टेड इन टू द वर्ड कॉल्ड गेस्ट किस तरीके से कन्वर्जन हो रहे हैं इतने सिंपल वे में आप अपना आंसर समझ भी जाएंगे और आराम से लिख भी पाएंगे एग्जाम्स में तो लास्ट में आप लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं ग्रेम्स लॉ क्या करता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सोनेंट्स इन जुमानिक लैंग्वेज एंड कॉन्सोनेंट्स इन अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज और स्टेट करता है कि किस तरीके के फोनेटिक चेंजेस आ रहे हैं वॉट इज ग्रिम्स लॉ बेसिकली इट इज अट आइडेंटिपियन लैंग्वेजेस से जो कुछ साउंड सिस्टम सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अबाउट दिस टॉपिक स्टेटिंग सम वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा आपका ठीक से पढ़ेंगे पीडीएफ की हेल्प से भी पढ़ना चाहे इसी चीज को तो एक बार और अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका टू गेट पी डी एफ यू कैन कनेक्ट थ्रू दिस टेलीग्राम लिंक प्लीज डू नॉट फॉर्गेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड यूर वैल्यूएबल फीडबैक इन कॉमेंट्स